हेलो एवरीवन, दिस इज रॉबिन हियर एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। चलो तो अब निकलते हैं और दिखाता तुम लोगों को मैं पूरा मुसासु। मेरे गांव का नाम मुसासु है, पौड़ी से। और आज तो पूरी साफ सफाई की है हमने सुबह सुबह। पिंटू, मैं, मम्मी, पूरा रास्ता क्लीन किया हम लोगों ने आज। अभी ऊपर जाके देखते गांव वापस एक बार। मैंने ये बहुत साल से देखा नहीं है, 7-8 साल से। ये भी एक घर है, ये रहा ऊपर से हमारा घर, नया घर, पर जो कि मेरे को इतना खास पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद है, आगे दिखाता हूँ। हाँ, ये ओरिजिनल घर है उत्तराखंड के, पठाली वाले पत्थर से बनते पूरे ऊपर। ये अब कुत्ता ना है, इधर एक कुत्ता रहता है। हेलो, लगे कुत्ते का आवाज़ है। चल पिंटू आगे। इधर एक दुकान भी है याद रहे। ये देखो इधर कुत्ता है। इधर ही दुकान थी ना, वो बंद हो गई क्या? अरे बाप रे, बंद कर दिया। इधर दुकान थी और इधर नाशपाती का पेड़, वो भी तोड़ दिया। ये देखो, ये होते हैं पटाली के घर। और ये एक्चुअल ट्रेडिशनल हाउस है यहाँ के, बट अब ज़्यादा बनते नहीं हैं ये, क्योंकि सब लोग यहाँ के चले गए सिटीज़ में, देहरादून। और तुमको ऐसे ही हाफते हुए दिखने वाला हूँ मैं बहुत, क्योंकि चढ़ना पड़ता है बहुत ऊपर ऊपर। एक घर देखो कितना दूर है, सबसे नीचे हो घर, वो भी छोड़ दिया है। एक स्कूल ऊपर भी है, पूरा एरिया ऐसा है मस्त एकदम। ऊपर जाके 5-6 फोटो भी लेंगे हम लोग, कैमरे का फ़ायदा तो लेंगे। ऊपर जाके 5-6 फोटो भी ले लेंगे। फ़ोटोज़ देखने तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो, उधर भी थोड़ी सी फैमिली बढ़ाओ। ये क्या पिंटू? ये भूमि मंदिर है। उत्तराखंड के हर गांव में एक ना एक भूमि मंदिर होता है, और जब भी किसी की शादी होती है या फिर किसी को घर बनाना होता है तो पहले आके पूजा करता है वो। ये भाई, ये देखो, ये असली व्यू इधर का। हर जगह पहाड़ ही पहाड़, बस हर जगह पहाड़ पहाड़। और ये बहुत कॉमन है, हर जगह ऐसे स्टेप फार्मिंग है और ऐसे घर बने हैं। ये बाप रे बाप, यहाँ का सबसे बड़ा गांव है ये। जितना इस साइड में दिख रहा है सेम उस साइड में भी है। और कल हम यहाँ पर आए थे शायद, यहाँ से हम लोग ऊपर आए। और यहाँ पर पता नहीं कैमरे में आवाज़ आ रहा है या नहीं बैंड का, बट वहाँ पर शादी चालू, एक उधर भी चालू, एक बारात आ रही है। और हमारे गांव से भी एक बारात है, वो गई है, बट हम लोग नहीं गए उसमें, क्योंकि हम लोग सुबह वो झाड़ काट रहे थे, घर बहुत ख़राब हो गया था। बिकॉज मेरे चाचा है, उनका बेटा है, उसकी सगाई आज है, और वो इसके एज का है, पिंटू के एज का है। 21 का है वो, बट उसके आज सगाई है और लव मैरिज है। सब बहुत बहुत खतरनाक स्टोरी है उसकी। वो किधर तो घूमने गया था एक गांव में, वहाँ पर उसको लड़की पसंद आ गई, तब से उनका चालू है। क्या मस्त लव स्टोरी है ऐसे। मुझे लास्ट टाइम याद है, देखो ये जो प्लेस है ना, यहाँ से ऊपर जाके एक जगह गांव है इधर, वहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। वो अकेला एक ग्राउंड है क्रिकेट के लिए बस, जो कि ग्राउंड भी नहीं है। मेरे गांव का नाम है मुसासु, अब ना मम्मी के गांव का नाम है क्वाला। तो वो एग्जैक्ट मेरे घर से, मतलब हमारे यहाँ से एग्जैक्ट मम्मी का गांव भी दिखता है ऐसे, एकदम क्लोज। और ये साल थोड़ा मैं लेट आया हूँ, वरना यहाँ पर हिसर होती है, एक बेरी होती है, ब्लैक, रेड, ब्लू, तो वो ख़त्म हो गए, वरना दिखाया होता, हर जगह मिलते फिर वो। ऐसे चल रहे हो इधर मिल जाएगा, बट सीज़न ख़त्म हो गया उसका। अब वो आएंगे वापस अप्रैल मई में, बट तब वापस एक बार आऊँगा मैं। इधर जंगल के रास्ते, बाप रे, देखो ऐसे जाना पड़ेगा, जंगल ही जंगल है भाई इधर हर जगह। पिंटू भी सोच रहा है विकास से जाओ। चीड़ का झाड़ है नहीं, बहुत मस्त ट्री है, एक फ्रूट रहता है इस पे, उसको खाते। हाँ वो रहा है, ऊपर बहुत है, वो फ्रूट के बीज खाते हैं। पर खाने से ज़्यादा चीज़ ऐसी है, मुझे वो लेके जाना है। उसका मैं एक झूमर टाइप बनाने वाला हूँ, कलर कलर करके, एकदम कलरफुल झूमर। पहले यहाँ पर बहुत खेत थे, बट अब सब निकल गए, कोई खेती नहीं करता अब। खेत करने के बाद भी बंदर आते हैं, सुअर आते हैं, और वो खा के पूरा चले जाते हैं, इसलिए कोई कार्य करता भी नहीं। अभी रास्ता बहुत छोटा है, देखो। हाँ ये रहा वो, देखो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, चीड़। इसके अंदर बीज होते हैं, बीज, वो बीज को खाते हैं। शेर नहीं है वो शेर लगा मुझे पहले। उल्लू है क्या वो? ये उल्लू चिड़िया है कुछ तो। ओ बाप रे, सच में पता नहीं क्या है। ये देखो देखो देखो, हाँ ईगल है शायद, ईगल है। ईगल को झाड़ पे बैठे देखा, बस अटैक मत कर मेरे पे तू। अलग ही ईगल है ये, ईगल भी है क्या पता नहीं, इतना फ्लफी ईगल है ना, बहुत मोटा मोटा है। हम देखो जाता रहा हूँ मैं उसके पास, और कुछ निकले ना बस, वो भी भागे ना,
और कुछ निकले भी ना कि मैं भाग जाऊँ। हाँ ईगल है, ईगल है, काला वाला तो ईगल है, वाइट वाला इतना फ्लफी है ना कैमरा उसको डिग्निफाई नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा, इतना बड़ा ईगल पहली बार देख रहा हूँ मैं। दो बार पचका हो गया है, मुझे लगा मैंने वीडियो ऑन किया है पर ऑफ था, और बहुत बड़ा मिस किया शॉट। वो ईगल दोनों के दोनों यहाँ से गए अभी, और उनके विंग्स का आवाज़ इतना खतरनाक था, पहली बार मैंने इतना साउंड सुना है ईगल्स का। चलो एक रील बनाया है मैंने, इंस्टाग्राम का आईडी है, इस पर जाके एक बार चेक कर लेना, अच्छा लगे तो फॉलो कर देना, साथ में रहेंगे और ऐसे वीडियोस दिखते रहेंगे तुम लोग को आगे कुछ टाइम तक। मैं यहाँ पर कल ही आया हूँ और पानी इतना ठंडा है यहाँ का, बाप रे। तुम जो फ्रिज में आइस रखते हो ना वो आइस को पिघलाओ, उतना ठंडा पानी है। और अब तक यहाँ पर तो विंटर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी इतना ठंडा पानी स्टार्ट हो गया है। मेरे गांव में ऐसा भी मस्त ब्यूटीफुल है, पहली बार आ रहा हूँ मैं तो इधर। इस बहाने वो वल्चर तो दिख गए पहली बार। हाँ ये देखो, ये रहा वो फ्रूट, अभी तो ये पूरा खाली, इसके अंदर ना सीड्स होते हैं, वो सीड्स को पकाते हैं खाते हैं। मुझे ऐसे 5-6 चाहिए थे, इन सबको लेके जाऊँगा, यहाँ पर कनेक्ट करके झूमर बनाऊँगा इसका मैं, कलरफुल। टॉप पे पहुँच गए, सिर्फ शेर मत मिल बस। और हम लोग वहाँ से आए, उतने दूर से ब्यूटीफुल है बट। बहुत सारे वीडियोस फोटोज निकाल लिए, अब घर पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकलते। बट एक बात है, गोप्रो और माउंटेन बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या व्यू दिखता है देखो गोप्रो में, कैमरा भी अच्छा है बट अगर तुम्हारे पास वाइड एंगल लेंस है तो। अरे फिलहाल मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ऐसा लेंस वेंस नहीं है अब तक, और अच्छा हुआ पिंटू साथ में मेरे, इसके साथ घूम पा रहा हूँ मैं, वरना मैं शायद निकलता इतना, इसलिए बोला। अच्छा तुम्हारा कज़िन तुम्हारे साथ में, तो ऐसे ही तुम लोग को आगे ब्लॉग्स मिलने वाले बहुत सारे, बिकॉज कोई ट्रैवलर को अंदर सिटी में आके देखने नहीं मिलता है चीज़ें, सॉरी अंदर ऐसे गांव में आके चीज़ें नहीं मिलती है। जो भी उत्तराखंड का टूर करता है वो मोस्टली ऋषिकेश ऐसे प्लेसेस पे जाता है, बट जो ये प्लेसेस है अंदर के गांव एक्चुअल उत्तराखंड, वो तक यहाँ तक नहीं आ सकते जल्दी वो, बिकॉज यहाँ पर रहने के लिए कोई ये नहीं है, होटल्स नहीं है। अब तक सिर्फ 5:30 हो रहे हैं, अंधेरा होना स्टार्ट भी हो चुका है। उस प्लेस पर तो पूरा सन चला गया है, मेरे घर पे सन चला जाएगा, ब्यूटीफुल सनसेट। अब कितना मैक्सिमम आधे घंटे में पूरा अंधेरा। ये देखो अभी तक तो लाइट इधर थी, इधर से भी लाइट गायब, आधे घंटे में पूरे का पूरा लाइट चला जाएगा अब, और पूरा अंधेरा वापस। और गांव में इतना स्ट्रीट लाइट है भी नहीं, वरना मैं रात को व्लॉग दिखाता था। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं कोला जाऊँगा ना जब, तो वहाँ पर रात में भी शूट करूँ, बिकॉज वहाँ पर लाइट है और वहाँ पर घर, यहाँ पर जैसा घर है वैसा नहीं है मेरा उधर सब घर पास में बहुत। अब जैसा मैंने बोला था, मेरे चाचा का लड़का है जो, उसकी उसका सगाई हो गई ना, तो उसको मिल के आते एक बार, उसको मिले नहीं हम। तबेले से एंट्री अपनी, देखो तबेले की एंट्री नहीं तो गाय, ये मामी भांडा घसती हुई भांडा मुझाती हुई किधर बंदर का बच्चा। नमस्ते, हाँ एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे ये फोड़ खा जाओ ना, ढुको ढुको, अरे नहीं नहीं, मुंह से हाथ निकल हाथ निकल मुंह से। ऑलराइट, तो मैं घर पे तो आ गए सब कुछ होके, हम लोग खाना लेके भी आ गए, और यहाँ पर इतनी सर्दी हो गई है कि देखो पहली बार मैंने पहना ही है, वरना मैं नासिक में भी पहनता नहीं हुई है। और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस देखो, बहुत ठंडी हो गई इधर, रात में और बढ़ने वाली है। सो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बेल बटन हिट कर लो। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, बाय बाय। ये है मेरे गोप्रो का व्यू, कितने ऊपर है मैं समझ लो, कितने ऊपर है।